दिवसीय कला उत्सव का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया था। कोरोना के चलते पहली बार इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाया गया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने पहाड़ी नृत्य, लोकगीत, पेंटिंग सहित अन्य कलाओं का प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने वोकल म्यूजिक, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल वोकल, म्यूजिक ट्रेडिशनल, फोक, पेंटिंग वर्क, गेम्स में भी भाग लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य भीम सिंह कटोच का कहना है कि ढालपुर स्कूल में राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया कोविड-19 को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार यह ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई जा रही है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन बच्चों ने भाग लिया है जो जिला में पहले स्थान पर आए हैं। जो कला उत्सव है ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें डाइट के थ्रू कार्यक्रम होता है, जिसमें बच्चों को जो हमारे फोक कल्चर के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये 15 तारीख को हमारे स्कूल में शुरू हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का जो आजकल चला हुआ है इस करके ये नहीं हो पाया, तो सारा ये ऑनलाइन चल रहा है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑनलाइन हुआ था और इस टाइम ये स्टेट लेवल का चल रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑनलाइन कर रहे हैं। जहाँ तक कुल्लू ज़िले की बात है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंटल जो लड़का और लड़की हैं जो विभिन्न स्कूलों से, एक बॉयज़ स्कूल से है, एक गर्ल्स स्कूल से है, कल्चर फोक में सॉन्ग में है, इसके डांस फोक डांस में है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। तो इसमें ज़्यादा जो स्कूलों की पार्टिसिपेशन है वो बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल से है, एक बच्चा जो खराल स्कूल से है, यानी कि ज़िले में कुल मिला के जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही है वो इन्हीं दो स्कूलों की रही है। साथ में LMS जो एक प्राइवेट स्कूल है उसके बच्चे भी, खास करके जो आपकी पेंटिंग कंपटीशन या डॉल मेकिंग था उसमें उन्होंने भाग लिया है। तो आज का जो रिजल्ट है वो आज शाम तक, क्योंकि स्टेट लेवल पे आज घोषित हो जाएगा, तो शाम तक आपको रिजल्ट भी इसके मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है कि हमारे कुल्लू का अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम आशा करते हैं कि हम बेस्ट कुछ ना कुछ जीत के करके आएंगे। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।